नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुलभ टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव स्वच्छता ही सेवा के अवसर पर हमारे साथ हैं सुलभ के फाउंडर डॉक्टर। जो सिंगापुर का विकास कैसे हो सकता है, उसने 5 सुझाव दिए थे। उसमें एक सुझाव था कि सिंगापुर बहुत ही गंदा है, यहाँ के लोगों की आते गंदी है, जहाँ तहाँ थूकते हैं सब। तो जब तक ये देश स्वच्छ नहीं होगा तो इसका विकास नहीं हो पाएगा। और ली क्वान ने इस मूल मंत्र को ले लिया और सिंगापुर को कितना स्वच्छ बनाया वो आप जानती होंगी कि सिंगापुर आज दुनिया में उसका स्थान है स्वच्छता में। सिंगापुर में जल्दी कोई आप गंदगी करेंगे तो $500 फाइन लगेगा आपको। तो इतना कराई भी है, इतनी कराई भी है और इतना साफ भी है। उसके चलते क्या हुआ ये देखिए आप। उससे जो 1965 में वहाँ के लोगों की प्रतिवर्ष आमदनी थी $400, वो बढ़ के 1990 में हो गया $12,000। अब देखिए कहाँ 400 आ कहाँ 12,000। तो उसी प्रकार से है कि माननीय मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है उसमें है कि स्वच्छता के साथ साथ विकास भी है। और अब देखेंगे कि हम लोग के मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता में देश बड़ा ही साफ सुथरा था, लेकिन वैदिक जब पद्धति आई शासन करने की उसमें क्या हुआ कि काम का बंटवारा हो गया कि ब्राह्मण ये कार्य करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, वैश्य करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि सफाई में हुआ कि 90% लोग गंदा करेंगे और एक वर्ग विशेष को साफ करेगा, तो गंदगी बढ़ती चली गई। उसी गंदगी को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, ये झाड़ू उठाइए, अपने हाथ में उठाइए झाड़ू। तो वो इम्पोर्टेंस में है कि जो हर आदमी आज देखिए मोदी जी के कहने पर अब हर आदमी झाड़ू उठा रहा है। आज अपने यहाँ पंडितों से लोग आए वो झाड़ू लगाने लगे, लड़कियाँ आई संस्कृत स्कूल की वो झाड़ू लगा रही थी। ट्रेडिशनली इनको झाड़ू लगाना नहीं है लेकिन अब लगा रहे हैं। तो मोदी जी के प्रयास से हुआ है कि सारे देश में स्वच्छता का एक आंदोलन छिड़ गया है जी जी। और हर आदमी प्रयास कर रहा है कि हम गंदा नहीं करें, कहीं चीज की बाहर फेंके नहीं। खासकर अब जानते हैं कि लोग पान बहुत खाता है फेंक देता है, केला का छिलका फेंक देता है, बादाम का छिलका फेंक देता है। तो ये एक कंसिस्टेंस जो है, एक जागरूकता देखिएगा, सारे देश में एक जागरूकता आई है कि हम गंदगी ना करें, देश को साफ रखें। ये सारा का शास्त्र ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। अब आज देखिए, अब जैसे हमारे यहाँ दीपावली होती है उसका दिन तय है, होली का दिन तय है, और कोई फेस्टिवल होता है उसका भी तय है, ईद होता है तो वो तय है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, 15 सितंबर को स्वच्छता दिवस तय कर दिया। अब हर साल 15 सितंबर को स्वच्छता दिवस मनाया ही जाएगा। उससे क्या होगा, देश साफ सुथरा होगा, ये सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है जी। सर, सुलभ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कई सालों से स्वच्छता के काम में लगी हुई है, उसको बढ़ावा दे रही है। तो ये जो स्वच्छता ही सेवा इनिशिएटिव है इसको किस तरह से बढ़ावा देने वाली है? और आप देखिए ना कि ये 50 वर्ष पहले की बात है, 1968 में एक संस्था बनी थी बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति। ये गांधी जी का 100वां वर्ष जन्म वर्ष मनाने के लिए, उसी में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया था। वहीं मुझे कहा गया कि मैला ढोने की प्रथा अमानवीय है, गांधी इसको समाप्त करना चाहते थे,
उनके समय काल में नहीं हो पाया, तो आप इसको करो, गांधी का सपना पूरा करो, और ताकि गांधी को हम लोग श्रद्धांजलि दे सके। तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था हमारे लिए। बचपन में मैंने एक डोम औरत को छू दिया था, उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था, और माघ महीने में गंगा जल से स्नान कराया था। ठीक है, तो चूँकि ब्राह्मण परिवार से मैं आता हूँ, तो ये हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स परिवार था और रिस्ट्रिक्शन काफ़ी थे वहाँ पर। अब ये बचपन की घटना मेरे दिमाग में काम कर रही थी कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। फिर भी उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें करना है। तो एक बेतिया शहर है बिहार में, चंपारण में, वहाँ जाके एक वाल्मीकि कॉलोनी है, उसमें रहे 3 महीना, उनके साथ बैठे, खाना खाया। उसके पहले मुझे पूरा पता नहीं था, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका कल्चर क्या है, कैसे खाते पीते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब सारी जानकारी मिली वहाँ पर। और वहाँ पर कई घटनाएं घटी। 2 घटनाओं का जिक्र बहुत आवश्यक है। एक कि एक सुबह सुबह नई नवेली दुल्हन, उसको सास जो है फोर्स कर रही थी बेतिया शहर में जाके शौचालय साफ करने के लिए। वो जाना नहीं चाहती थी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैं गया, पड़ोस में था, मैं मना करने गया। उसकी सास ने कहा कि पाठक जी, आज तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन ये बताइए कल से क्या करेगी? ये सामान सब्जी बेचेगी, इसके हाथ से कौन खरीदेगा, कौन लेगा? अछूतों में अब देखिएगा चीज़, समाज ने ऐसा कर दिया अछूतों को, अब तो ये सब प्रयोग नहीं होता है, पहले की बात है, तो ऐसा कर दिया कि दूसरा काम वो कर ही नहीं सकता था। दूसरा काम करने का उसका ऑप्शन होता तो काम छोड़ देता, और वो छोड़ देता तो फिर पखाने की सफाई होती किसे? तो ये है कि जेल में कोई गलती हो जाए तो एक आदमी छूट सकता है, वो जघन्य अपराध न हो तो, लेकिन एक बार यू आर बोर्न अनटचेबल, यू विल डाई एज अनटचेबल, ये समाज का जो नियम था। पर यहाँ मैं जब था वहाँ पर, पिताजी वहाँ बहुत दुखी थे, ब्राह्मण समाज पूरा खिलाफ था हमारे। हमारे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, धनी थे बहुत, तो हम पर नाराज होते थे बहुत कि क्या ये सब काम करते हैं, अछूतों के साथ रहते हैं। लोग पूछता है कि दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ कि दामाद क्या करते हैं। और एक दिन तो इतने गुस्से में आ गए कि कहा कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता, और यदि हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी दूसरे से हम कर दिए होते। हमने सोचा था कोई अच्छा काम करेंगे, हमारे लड़की का आपने जीवन खराब कर दिया। हमारे बिहार में परंपरा है कि बड़ों से हम मुँह नहीं लगाते हैं। उस दिन मैंने धीमे आवाज़ में कहा, जवाब दिया कि देखिए ये इतिहास का पन्ना उलटना है, छुआछूत समाप्त करनी है, गांधी का सपना है। तो ये कि नौकरी तो है नहीं, एक दिन में हो जाए कुछ, तो जब तक मैं सफल नहीं होता हूँ तब तक तो आप इनका ध्यान रखिए, और जब हम सफल हो जाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि शादी करना चाहते हो आप किसी दूसरे से, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी घटना कि एक छोटा बच्चा लाल कपड़ा पहने हुए था, उसको सार होता है ना बुल, उसने अटैक कर दिया। सब दौड़े बचाने के लिए, किसी ने उसी में से कह दिया कि वो तो वाल्मीकि कॉलोनी का लड़का है, सब ने छोड़ दिया उसको। हम लोग ले गए उसको अस्पताल में, उदम तोड़ दिया। तो गांधी कसम मैंने खाई कि गांधी का सपना पूरा कर करें। मिलियन डॉलर क्वेश्चन क्या था उसमें,
कि सपना पूरा होगा कैसे, ये खाली कहानी कहने से, गांधी ने कहा था इसे पूरा हो जाएगा क्या? 1934 में गांधी ने ऊंची जाति के लोगों को बुलाया था भुवनेश्वर में बाल्मीकियों के साथ खाना खाने के लिए। वो आए और जब खाने का वक्त हुआ तो कहा, गांधी इनके साथ खाना हम नहीं खा सकते हैं। तो गांधी ने लिखा है वहाँ पर, इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनेबल टू ईट विथ अनटचेबल्स। ये अंग्रेज का गोली खा लेंगे, मर जाएंगे, बट इनके साथ खाना नहीं खाएंगे। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है वह यह है कि सुलभ शौचालय का आविष्कार किया। इसमें दो गड्ढा होता है, एक का इस्तेमाल होता है, एक बंद रहता है। जब एक भर जाता है तो दूसरा चालू किया जाता है। पहले में 2 वर्ष के बाद उसको निकाल के खेत में डाल सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो हमने विकसित की ये महत्वपूर्ण था। इसका विकास हम ना किए होते तो आज भी ना मैला ढोने की प्रथा समाप्त होती और ना ही खुले रूप में शौच करने की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी का हमने विकास किया, दैट टेक्नोलॉजी हैज मेड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी कहानी एक है जी। समय है तो बताएं आपको। जी बताइए। तो उसमें जो कहानी है न्यूयॉर्क शहर की है। न्यूयॉर्क शहर 1860 में बसने लगा तो वहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या माल ढोने के लिए जी। जो आपने देखा है कि नहीं, यार जो टमटम गाड़ी होता है ना, तो उसमें था उनका हॉर्स कार्ट्स। हाँ, तो जो टमटम गाड़ी है उसका इस्तेमाल होने लगा। अब उससे क्या हुआ कि जो जो हॉर्स का जो जो लिद्दी होता है ना जी, जो डंग होता है जी, उससे समस्या आने लगी। गर्मी के समय वो उड़ता था वो, और बरसात में वो ड्रेन को जाम कर देता था जी। तो पानी निकलने में दिक्कत होती थी। 1890 में एक सेमिनार हुआ 7 दिनों का, लेकिन 3 दिनों के बाद ही उसे बंद कर दिया गया। कहा कि भाई कोई समस्या का निदान आ ही नहीं रहा है तो फिर इसको क्यों आगे चालू करें। पर लेकिन देखिए 1907 में ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार हुआ, और जैसे ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार हुआ तो हॉर्स कार्स जो है धीरे धीरे रिप्लेस होने लगा। और बाई 1920 हॉर्स कार्स जो है वो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क से हट गया। तो न्यूयॉर्क में समस्या थी हॉर्स डंग की, और इंडिया में प्रॉब्लम है ह्यूमन डंग की। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है ना ये महत्वपूर्ण था इसमें कि टेक्नोलॉजी ना होता, क्योंकि सीवरेज की प्रणाली जो है वो बहुत कॉस्टली है। इसका बनाना चलाना, इसमें जो पानी लगता है बहुत ही अधिक पानी लगता है। तो आपको आश्चर्य होगा 1860 में ये लगाया था लंदन में, सॉरी 1850 में, और 1860 में लगा था न्यूयॉर्क में जी, और 1870 में लगा था आपको कलकत्ता में। ठीक है, तो 1870 से लेकर आज तक आपके यहाँ शहरों की संख्या कितनी है? 7935। उसमें से सीवर कितने में लगा हुआ है इंडिया में? 732 में। 500 शहर जो है नंबर वन सिटीज है, नंबर टू जो है 200 नंबर टू टाउन्स है। पहले में ट्रीटमेंट कितना होता है? 32% एवरेज, और दूसरे वाले में 8% एवरेज। आप जहाँ बैठी हैं दिल्ली में, इसका ट्रीटमेंट होता है 69%। तो इस टेक्नोलॉजी से जो 2 समस्या हमारे देश में थोड़ा पहले तो बहुत था, मतलब कम गया है, मतलब अभी भी तो है
तो ये मैला ढोने की प्रथा और खुले रूप में की शौच की प्रथा समाप्त नहीं होती यदि हम सुलभ शौचालय का विकास न किए होते। सर, आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, तो आपको क्या लगता है कि ये एक संकेत है कि आने वाले वर्षों में युवा पीढ़ी के जोश से स्वच्छ भारत का जो सपना है हमारा वो पूरा हो पाएगा? निश्चित हो पाएगा ना। आज के बच्चे जो हैं पहले के लोगों से ज़्यादा उत्साही हैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज़्यादा उसमें एनर्जी है। आप पहले के बच्चों को देखेंगे, आज के बच्चों में आकाश जमीन का अंतर है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो बच्चे जो आगे इतने से आए और जिस उत्साह के साथ सफाई की उन्होंने, तो हम लोग समय में था कि कपड़ा कोई धो रहा है, खाना कोई बना रहा है, आजकल बच्चे सब काम अपने करते हैं। जी जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बड़े उत्साह के साथ आज कार्यक्रम में आए और काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया। हाँ, और इससे फायदा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा। जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो आज की पीढ़ी है निश्चित ही स्वच्छता के क्षेत्र में आगे आएगी। जी, जी। और देश को स्वच्छ बनाएंगे लोग। जी। और देश का विकास होगा और इन्हीं को लाभ होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल। सर, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का जो रवैया है स्वच्छता के प्रति वो बदला है, लेकिन पिछले सालों में जो भी कमियां रह गई हैं इन्हें दूर करने के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा है ना कि आप जूता खरीदती हैं जी, तो खुद पॉलिश मारती है उसमें जी, और दो महीने के बाद पॉलिश मारा नहीं मारा पहले बाद लगाए निकल गए जी। तो किसी चीज़ को साफ सुथरा रखना जी जी बड़ा कठिन काम है। जी एकदम बिल्कुल। ये आदत की बात है, ये जी ये संस्कृति की बात है, कल्चर की बात है, तो ये कल्चर बदलने की बात है। जी जी। तो इसीलिए इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है जी कि जैसे आपके पास 6,44,000 गांव हैं, 7,935 शहर हैं, उसमें वार्ड्स भी होंगे, तो हर गांव में एक आदमी को जिम्मेदारी लगा दिया जाए भाई इसका साफ रखना आपका काम। और हर शहर में वार्ड्स होते हैं, तो दिल्ली शहर में 272 वार्ड्स हैं, तो जो वार्ड काउंसिलर है उसकी जिम्मेवारी है कि जो सरकार से सहायता है सहयोग राशि है वो ले, जनता को बुलाए, मोबिलाइज करे जी जी। और उसका काम है कि वो अपने वार्ड को साफ सुथरा रखे जी। तो यदि ये जिम्मेवारी दे दी जाए तो दो ही ना होगा, या तो गाँव गंदा होता है जी। या वार्ड्स गंदे होते हैं जी। तो हर वार्ड काउंसिलर किसी किसी वार्ड का होता है, तो इसीलिए यदि वो दोनों को जिम्मा दे दिया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए जी जी। और जो धनराशि सरकार की देनी है वो अपना काउंसलर या जो गांव का आदमी ले और साफ सुथरा रखे, तो कोई कारण नहीं है कि वो साफ नहीं हो सकता जी। मेरा तो अपना ही कहना है कि जब तक आप यहाँ बैठी हैं यहाँ साफ सुथरा है जी। क्यों है? इसलिए कि हम रोज इसको साफ सुथरा करते हैं, रखते हैं इसको। जी। यहाँ गांधी रहते हैं, इतना साफ जगह है ये, ठीक है, स्वच्छता का में ईश्वर का वास है, गांधी कहते थे। इसलिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि कोई भी जगह साफ रखने के लिए जी जी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। वह व्यक्ति फिर सरकारी साधन और जनता के रिसोर्स साधन से मिल करके और जो को साफ रखेगा, तो कोई कारण ही नहीं है कि देश साफ सुथरा नहीं रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय हमको दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो संदेश है इसको लोग अपनाएं और जो हमारा स्वच्छ भारत का सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। हाँ वो तो सही है, लेकिन फिर आइएगा जी, इसलिए कि हमारी जो यात्रा है जी सर उसकी सिर्फ
शुरुआत की शुरुआत ही सुनी है आपने, बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। एकदम सर, एकदम जरूर। इसलिए जो स्वच्छता का जो आंदोलन है जी सर, इसमें बहुत से पहलू है जी सर, वो पब्लिक टॉयलेट का है, उसमें बायोगैस का है, फिर बहुत से पानी का है जी सर। तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी आइएगा जी जरूर तो सर, फिर यात्रा को भी बताएंगे कैसी यात्रा हमारी पूरी हो रही है जी सर। एकदम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो अभी आपने सुना सुलभ के फाउंडर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को, जिन्होंने हमें बहुत बखूबी से समझाया कि किस तरह से स्वच्छता जो है एक कल्चर है, उसे अपनाना, हमको उसे अपनी आदत में डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में हमारा जो स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।